नमस्कार, हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज नाहन के बनकला क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने 6 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का लोकार्पण किया है। और वहीं इसके बाद आज सीएम पांवटा साहिब के दौरे पर रहेंगे। यहाँ सीएम सबसे पहले बाता नदी पर बने पुल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान पांवटा में दीक्षांत समारोह में भी बच्चों को उपाधियां बांटेंगे। इसके बाद वे गोंदपुर में 3 करोड़ 19 लाख से बने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के भवन और प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद सीएम पांवटा साहिब में 5 करोड़ की लागत से बनने वाले बस अड्डे की आधारशिला भी रखने वाले हैं।